अलैकुम, हेलो, वेलकम टू माय कल्बाइस्टा पेज। आज हम कुछ यूनिक एंड करने वाले हैं, क्योंकि आज ना कोई कॉफ़ी है ना कोई कॉफ़ी मशीन है। आज हम अपने किचन में कुकिंग करेंगे। आज संडे का दिन है तो आज हम बना रहे हैं चिकन फ्राई मसाला। प्लीज़ पूरी रेसिपी देखिएगा एंड तक, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। थैंक यू। ये देखिएगा, ये हमने चिकन ली है, ये 500 ग्राम चिकन है। इसको छोटे कढ़ाई वाले पीस करवाने हैं हमने। इसके अलावा हम लेंगे 200 ग्राम योगर्ट लेना है, दही। इसको फेंट के रख लेंगे हम लोग। हमने हद से ज़रूरत हरी मिर्ची लेनी है। इसके अलावा हमारे पास ड्राई मसाले हैं, ये है धनिया है, साबुत धनिया है। इसको थोड़ा सा रोस्ट करके तवे पे इसको हमने थोड़ा सा कूट लेना है। इसके अलावा ये कुटी हुई मिर्च है, ये लाल मिर्च है, और ये हद से ज़रूरत नमक है। इसके अलावा एक लेमन का आपने जूस निकाल के रख लेना है, और ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कुछ अपने सारे जो ड्राई मसाले हैं वो लेमन जूस में डाल के रख लेंगे। जैसे हमने काली मिर्ची ले ली है, पूरी हमने इसमें एज इट इज डाल दी। ये हमारी कुटी हुई मिर्च आ गई इसमें, लेमन जूस में हमारी ये रेड चिली पिसी हुई, ये हमारा आ गया सॉल्ट, और ये हमारा आ गया जो हमने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया लिया था। अब हम इन सब चीज़ों को लेमन के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये अब हमारा बिल्कुल एक पेस्ट टाइप का मसाला बन जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए, इसमें कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, पानी आने की, क्योंकि हम ग्रीन अभी, चिली में लगा ये देखिएगा हमारा बिल्कुल पेस्ट जो ड्राई मसालों से और लेमन का बनाया हुआ था हमने, ये मिर्चों में अपनी फिल करते हैं, हरी मिर्चों में। आपने बड़ी हरी मिर्चें लेनी है, उसमें एक बड़ा कट लगाना है, और उसके अंदर ऐसे हमने लेके हमें ऐसे फिल कर देना है इसको। बस सिंपल सा तरीका है ये। और जो हमारा जो बाकी लेफ्ट ओवर मसाला है, हमने ये चिकन को मैरिनेट कर लिया है, इसलिए चिकन को डाल देंगे इस तरह। थोड़ा सा हम लेंगे पानी, थोड़ा सा पानी लिया हमने, थोड़ा सा डाल देंगे चिकन को, पूरी चिकन को इस तरह हम कर लेंगे कि सारा मसाला चिकन पे लग जाए, और इस चिकन को हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सारा मसाला इसमें जब्ज हो जाए। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट अपनी चिकन। स्टार्ट। जी, हमने आप ये दो छोटे प्याज लिए, उसको हमने चॉप कर लिया। उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हमने ऑयल डाल दिया अपना। हम इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, जब अपना कलर चेंज कर लेगा तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट डालना शुरू करेंगे। ये हमारे हो गए प्याज में कलर चेंज कर दिया, ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अभी हम डालेंगे हमारा कुटा हुआ गार्लिक है पिसा हुआ, ये गार्लिक हम डाल देंगे इसमें। गार्लिक को थोड़ा सा भूनेंगे कि गार्लिक का थोड़ा सा टेस्ट और जो है वो सही हो जाए। उसके बाद हम हल्का सा फ्राई करेंगे इसके साथ ही, ऑनियन के साथ। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आया प्याज में, इसी तरह का हमें निकालना है इसको, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। हमारे साथ साथ लहसुन भी फ्राई होता जा रहा है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये मैरिनेटेड चिकन। देखिएगा बड़ी अच्छी सी ये मैरिनेट हो गई, मसाला इसके अंदर नहीं चला गया, 10 मिनट हमने इसको मैरिनेट किया था। अब हम अपनी चिकन डाल के इसके साथ ही फ्राई करेंगे। अभी इसे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम प्याज अपने प्याज लहसुन और चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है चिकन में, बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला लग गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करेंगे, हमने लिया है योगर्ट। योगर्ट में हमने थोड़ी सी लाल मिर्ची और चाट मसाला ऐड किया है। हम योगर्ट को थोड़ा सा फेंट लेंगे कि इसमें अच्छी तरीके से मसाला होगा। ये देखिए, हम योगर्ट को ऐड कर देंगे इसके अंदर। हमारा योगर्ट हो गया इसमें, हम इसको योगर्ट में पकाएंगे अच्छे तरीके से। आँच को थोड़ा तेज करेंगे और नीचे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अच्छे तरीके से धोएंगे और इसको पकाएंगे हम। तरीके से भुन गई है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, और ये देखिएगा बिल्कुल अच्छा कलर आ गया इसमें, और योगर्ट भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है इसमें। ये देखिएगा
बस अब ये फाइनल स्टेजेस पे है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी जो हमने स्टफ करी हुई हरी मिर्चें हैं वो ऐड करेंगे और उसको हल्का सा दम पे रखेंगे। इसके बाद हरी मिर्चें डालेंगे इसमें। देखिए जिस हमने मसाला इसमें स्टफ किया हुआ था जब उसको ऐड कर देंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे पुदीना अपना। पुदीने को धो के अच्छा सा सुखा के आराम से हमने पुदीना डाल दिया अपना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसको हम रख देंगे दम पे। बस उसके बाद हमारी चिकन फ्राई मसाला विल बी रेडी। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है पुदीने की और हरी मिर्च ग्रीन हरी मिर्चों की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आज संडे का दिन है, वाइफ के लिए खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मर्द हज़रा देख रहे हैं वो भी अपनी बीवी को खुश करने के लिए ये डिश बना सकते हैं। फ्राई मसाला इज़ रेडी। ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त खुशबू आई है। हमारी हरी मिर्चें भी इतनी ज़्यादा ओवर कुक नहीं हुई। ये मसाला खड़ा खड़ा होगा तो मज़ा आएगा क्योंकि चिकन फ्राई मसाला है, इसमें मसाला जो है ड्राई और थोड़ा सा खड़ा खड़ा होगा। ये देखिएगा हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त चिकन फ्राई मसाला इज़ रेडी। तो इन्जॉय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे प्लीज़ ज़रूर कॉफ़ी ही डालेंगे, लेकिन आज के लिए हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नया चैनल है तो प्लीज़ कैंडली सपोर्ट करें। बाय बाय।